वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स की एमएक्स एक्सेल का पार्ट टू वीडियो है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स की सेल परचेज को कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको कुछ लाइन को यहाँ से ले लेना है कुछ इस प्रकार से, और इसको फ्रेंड्स यहाँ से आप क्लिक करेंगे और इसको मर्ज करेंगे यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सेल परचेज। तो फ्रेंड्स इसको लिख देने के बाद आप इसको एक बार इधर क्लिक करेंगे और इसको फिर से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको कलर देंगे जो आपको देना होगा, और यहाँ से आप इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। और इसको आप चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को दिखाना है, तो हम लिख देते हैं एसएन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको लिखेंगे एक, और यहाँ पे आप जैसे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आइकन, तो आप इसको इस तरह से करेंगे जितना भी आपको लेना होगा आइटम, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर सीरीज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लेना है फ्रेंड्स आइटम का नेम, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आइटम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने आइटम लिख दिया, और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे स्टॉक, और यहाँ पे लिखेंगे हम इसको सेल, और यहाँ लिखेंगे परचेज, और यहाँ से देखिए इस साइड से बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे जाएंगे ये जो ऊपर वाला लाइट है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया अंदर, और यहाँ लिखेंगे हम टोटल, तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे आइटम में आपका क्या है, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आइटम का जो बॉक्स है यहाँ पे हम आइटम 5 कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे दूसरे नंबर में लेंगे हम चेयर, और यहाँ पे हम लेंगे बेंच, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेंसिल। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद स्टॉक में आपके पास कितना है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्टॉक में 15, यहाँ पे 18 कर देते हैं, यहाँ पे 21, आपके मुताबिक से फ्रेंड्स जितना होगा आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने पहले जो एमएक्स एक्सेल का जो पार्ट वन वीडियो अगर आप उसको नहीं देखे तो आप जाइए, और एमएक्स एक्सेल का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इसको पहले देख लें तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको करना है। इसका जो बेसिक डिटेल्स है उसमें हमने बता दिया पहले ही कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, किस चीज़ को कैसे आप पे अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा बात है जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट टू को देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ से कर दिए, और यहाँ पे हमने सेल लिखना है, तो यहाँ पे सेल हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स कितना सेल हुआ है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे परचेज लिख दिया, उसके बाद हम इस सब सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे बोल्ड। चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको कर दिया आइटम को जो भी है, इसको हम बोलने बोल्ड कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम टोटल करेंगे। तो उसके पहले फ्रेंड्स आपको जानना होगा ये बात कि यहाँ पे जो लिखा गया वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आइटम है, यहाँ पे स्टॉक है, और यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे टोटल है। तो फ्रेंड्स देखिए स्टॉक का मतलब आपके पास इतना जो भी प्रोडक्ट था वो 15 यहाँ पे मेरे पास था, उसको फिर हमने यहाँ पे सेल किया 8, फिर हमने 5 परचेज किया, तो टोटल कितना हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसका जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पे जानना होगा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया फर्स्ट वन वीडियो में कि इसको फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और यहाँ कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आप उसको देख लें एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है फॉर्मूला बार में, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, और फॉर्मूला बार को यूज करने के लिए पहले आपको इस तरह से करना है, और उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना है, और उसके बाद आप किसको करना चाहते हैं, तो स्टॉक को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे C4 आ गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे C4 आ गया, ये 4 है, और यहाँ इस चीज को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया और यहाँ पे C है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेल स्टॉक में सेल को घटाना है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको इसको सिलेक्ट करना है सेल नंबर D, यानी इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया D और यहाँ पे 4,
और उसके बाद फिर आपको इसको प्लस करना है, 5 है तो प्लस है, फिर आपने परचेज किया तो फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 12 आ गया रिजल्ट। अब फ्रेंड्स आपको हम सब पहले समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए 15 था जिसमें से 8 गया, तो 8 गया तो 7 बच गया, फिर आप 7 बचा तो फिर आपने 5 परचेज किया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 12 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना, तो यहाँ पे आप उसको लिंक सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से कर देंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक ये फिल हो गया। यहाँ से 18 में से 6 गया तो अब 12, 12 में से फिर आपने 4 परचेज किया तो 16। तो ये फ्रेंड्स कुछ ट्रिक होता है, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया, अब चाहते हैं फ्रेंड्स कि इस सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पर टोटल को यूज करें, तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, तो टोटल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ फॉर्मूला बार में आप आएंगे और यहाँ पे आप पहले चिन्ह देंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद लिखेंगे आप सम। सम लिख देने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट जो है, इसको पहले आप ब्रैकेट लेंगे और उसके बाद आप फर्स्ट वाला जो आपको जो भी आपका आया होगा इसको आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको इस तरह से कुछ जो कोमा है इसको यूज करना है। चलिए फ्रेंड्स हम कोमा को यूज करते हैं, और उसके बाद आपको फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ब्रैकेट को ऑफ कर देना है और उसके बाद एंटर को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे 103 आ गया रिजल्ट। अब आप चाहते हो यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टोटल आइटम, और इसको आपको इस पर इस तरह से सेलेक्ट करना है इसको, और इसको आप चाहें तो इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से देख आप सीख सकते हैं कि सेल परचेज आप कैसे करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम एक्सेल के अंदर सेल परचेज को कैसे करना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ।